बिरला इंस्टीट्यूट इस वर्ष अपना 32वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस दौरान राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा यहां पर रंगारंग नृत्य, संगीत और नाटकों की प्रस्तुति दी जाएगी। पूरे नोएडा क्षेत्र में बिमटेक एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लुबना सलीम, जो कि बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। जस्ट फॉर फन, ओ माई गॉड जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी कलाकारी से लोगों को अभिभूत किया है। उनसे बात करेंगे गुडम्बा नाटक के बारे में। सामान्य नाटक से और एकल नाटक में भूमिका निभाना कितना मुश्किल काम होता है? मेरा नाम लुबना सलीम है और जहाँ बात कर रहे हैं हमारे नए नाटक गुडम्बा की, तो हाँ, ये एकल नाटक है। और एकल नाटक आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, चैलेंजिंग भी होता है, और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज़ बहुत सालों से मैं बहुत सारे रोल्स कर चुकी हूँ, मतलब आप कहें राधा कर चुकी हूँ, द्रौपदी कर चुकी हूँ, अब माइथोलॉजिकल कर चुकी हूँ, मॉडर्न नाटक कर चुकी हूँ। मैं बहुत सालों से एक अंदर जो एक एक्टर की जो एक एंग्स थी वो लेकर चल रही थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है। तो जब गुडम्बा मेरे सामने आया और जब जावेद सिद्दीकी साहब जो राइटर हैं, मैं बहुत सारे राइटर्स के पास में गई कि भैया मेरे लिए कुछ लिख दीजिए, मुझे कुछ आज की बात करनी है, मुझे हिस्ट्री नहीं देखनी है, मुझे माइथोलॉजी नहीं देखनी है, मुझे आज की औरत की बात करनी है। तो ये शायद सिर्फ जावेद सिद्दीकी साहब समझ पाए और उन्होंने फिर वो ये बनाया मेरे लिए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे लिए एक डेट थी ओपन करने की और मैंने कहा बस मुझे ये अभी ओपन करना है। उस डेट में सिर्फ कुछ 25 दिन रह गए थे, उन्होंने तो वो चैलेंज था हमारे लिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ, तुम कितनी जल्दी करोगी? मैंने कहा ठीक है आप लिखिए। तो पहले 5 पेज आए, फिर 10 पेज आए, और फिर जब 12 दिन के अंदर मेरे पास में पूरा स्क्रिप्ट आया तो मेरे पास सिर्फ कुछ 15-18 दिन थे इसे तैयार करने के लिए। तो रात दिन मेहनत की और वो जो एक अंदर से जो एक सेल्फ चैलेंज था वो मेरे लिए वाकई काम आया। जो मेरी सारी अंदर की जो एंग्स थी कि मुझे कुछ नया करना है, वो सारी निकल गई, सारी भड़ास निकल गई। तो एक संतुष्टि की फीलिंग आई। कहने को जब आप एक वन वुमन सोलो मोनोलॉग शो करते हैं तो वाकई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके आसपास तो कोई है नहीं करने वाला, आप अगर फंबल भी करते हैं तो सामने वाला संभालने वाला भी नहीं है। फिर ये है कि पूरा स्टेज आपका है और आप जो चाहे करें, अब उस जो चाहे करने में भी एक सीमा होती है। एक और जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी इसमें वो ये कि हर ऑडियंस के साथ में ये बदल रहा है। ये हमने अभी कुछ ही शोज इसके, क्योंकि हमने अभी अभी इसे ओपन किया है, तो हम भी सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और नई ऑडियंस के साथ में नए एक्सपीरियंसेस का अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए आज क्या होता है। मैम, गुडम्बा के ज़रिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? गुडम्बा के ज़रिए मैं आज की जो औरत है उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकती है, वो चाहती है तो वो सब कुछ कर सकती है। एक हस्ती खेलती हल्की फुल्की कहानी है ये। इसमें हम कोई परचम नहीं लहरा रहे हैं कि उफ़ मुझे देखो, मेरी तकलीफ़ें, मेरी दुविधाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ज़िंदगी होती है, एक ज़िंदगी में खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, कुछ लेसन्स भी हम सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इन चीज़ों को हम कैसे जज्ब करते हैं, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे ढालते हैं और पॉजिटिवली कैसे निकलते हैं, ये है गुडम्बा। गुडम्बा का मतलब ही ये होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। तो ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ बनके एक औरत का पूरा सफ़र है, 18 बरस की उम्र से लेकर 45 बरस की उम्र तक। तो ये एक बहुत ही हल्की फुल्की अच्छी सी कहानी है, गहरी बातें भी हैं लेकिन बड़े मज़ेदार तरीके से कही गई हैं। हम 32वां स्थापना दिवस बिमटेक इस वर्ष मना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिमटेक में मैं पहली दफ़ा आ रही हूँ एंड जैसे ही मैं गेट में एंटर हो रही थी कल, और मुझे ये लगा कि ये तो बड़ा सुंदर कॉम्प्लेक्स है, इतना वाइब्रेंट, इतनी वाइब्रेंसी बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में मिलती है। आप हर जगह चले जाएं, दे लुक लाइक दे आर एन ऑर्गेनाइजेशन। बिमटेक एक फीलिंग देता है, एक आपस में एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग ऑफ बीइंग अराउंड, ऑफ बीइंग देयर। सबसे अच्छी बात तो इनकी थी जो जो
ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी मैनेजमेंट है, वो उनका नज़रिया बच्चों को देखने का अद्भुत है. मतलब, और ये बच्चे बहुत लकी हैं कि ऐसे वातावरण में अपने कोर्स कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से इनको एक्सपोजर मिल रहा है कल्चर से, डाइवर्स कल्चर से, और जिस तरह से इनको एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ पर जो लोग आते हैं परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग बातों पर जब विचार विमर्श होता है, तो उनकी इंटरेक्शन से ये बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं. मैं कल यही सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर, मुझे यही लग रहा था कि ये कितने लकी हैं बिमटेक के सारे बच्चे कि ये जो दो साल में ये जो कोर्स करके जाएंगे ये जिंदगी भर उनके साथ रहेगा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज दे आर गोइंग टू टेक. और इस उम्र में अगर इस तरह का एक्सपोजर मिलता है तो वाकई ये इंस्टीट्यूट के लिए, ये इस बिमटेक, इस पूरे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और जो एक विजन है बिरला का, वो यू नो वो दर्शाता है कि दे आर मेकिंग द बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, धन्यवाद से बात करने के लिए. थैंक यू.